एक बार की बात है, एक औरत के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ जाता है। उसका पति मर जाता है और घर में खाने के लिए रोटी तक भी नहीं, और ऐसी स्थिति में उस औरत के पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और एक दिन उनकी दोनों बेटियाँ, जो बहुत दुखी होती है, वो माँ के पास आकर कहती है कि मम्मी, बस अब तो खाना दे दो, अब नहीं रहा जाता। अब इतना दुख देख कर के कोई माँ के हृदय का क्या हाल होता होगा, आप जान ही सकते हैं। अब माँ इतनी दुखी, सारे उपायों को करने के बावजूद भी वो रोटी की कोई प्रकार की जोड़ नहीं कर पाती है। इतने दुख की स्थिति में वो माँ अपनी दोनों बेटियों को आश्वासन देकर सुला देती है कि बेटा, आप सो जाओ, कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और किचन में जाती है, अपने गैस को ऑन कर देती है और वापस आकर के वो भी सो जाती है। जैसे ही थोड़ी देर के बाद उसकी नींद लगी, अचानक से किचन में एक टेप रिकॉर्डर उसने जो ऑन किया था, उस टेप रिकॉर्डर में एक प्रभु की भक्ति का, यानी प्रभु को अपने आप के सारे दुख बताने का, ऐसा कोई एक गाना वहाँ चल रहा था। अचानक से उसके मन में वो सारे शब्द गूंजने लगे कि परमात्मा मानो मुझे ये कह रहे हैं कि तूने आज तक तूने मुझे तेरे एक भी दुख का आत्मनिवेदन नहीं किया। अगर तूने ऐसा किया होता तो आज तेरे जीवन में दुख नहीं, खुशियाँ आ जाती। बस वो औरत उठती है अपने बिस्तर से, घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलती है, गैस ऑफ करती है और अपने बच्चों को उठाती है। उसके बाद में परमात्मा से बातें करना शुरू करती है और अपने सारे दुख, सारी चिंताएं, सारी तकलीफें दिल खोल करके निवेदन करना शुरू कर देती है और फूट फूट करके रोने लग जाती है। पूरा दिन, पूरी रात बीत गई, अगले दिन भी यही हाल था। कब उसकी आंख लगी पता नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली, उसके बाद में उसका जीवन परिवर्तित हो चुका था। उसकी सोच, उसके विचार, उसका चिंतन, सब कुछ परिवर्तित हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने परमात्मा को अपने सारे दुख कह डाले। उसी प्रकार उसके बाद में एक दिन ऐसा आया जब वो अपने खुद की एक बायोग्राफी लिख रही थी। उसमें वो अपने शब्दों में लिखती है, यदि वो दिन मेरे जीवन में नहीं आता तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती, और आज मैं चीख चीख करके हर इंसान से कहना चाहूँगी, कभी भी तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई दुख हो तो तुम अपने सारे दुखड़े को जोर जोर से भगवान से कह दो, लिख दो, सब कुछ उनसे निवेदन कर दो। यदि ऐसा नहीं करते तो मेरा भी जीवन वैसा ही होता जैसे आप दुखी हैं। मैंने उस दिन यह चुनाव किया और आज मेरा पूरा परिवार बहुत संपन्न है, मेरे बच्चे अच्छी विद्याएं अर्जन कर रहे हैं, मेरा जीवन बहुत सुखमय हो गया है और आज मैं कई सारे लोगों की भी मदद कर रही हूँ। इसलिए हमेशा दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अपनी हर समस्या, हर खुशी, हर तकलीफ, हर गम यदि किसी से शेयर करते हो तो वो सबसे पहले परमात्मा से शेयर करें, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे पास है, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं।